आज हम बिजनेस में करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है, मतलब क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। कल हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी, आज हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। जल्दी से मुझे बता दो पार्टनरशिप क्या होता है। दो लोग आके, हाँ दो लोग मिलके, तीन लोग मिलके आके ग्रुप बनाते हैं। वेरी गुड। इसका फर्स्ट फीचर होता है टू और मोर मेंबर्स पार्टनरशिप को। हमने कॉपी निकाल ली, ठीक है। पार्टनरशिप को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा मेंबर चाहिए होते हैं। एक पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहलाती। एक कौन सा कहलाता है, एक पार्टनर कौन सा कहलाता है? नहीं, फीचर्स फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं आज हम। मैं कह रही हूँ कि एक पार्टनर अगर हो, एक पर्सन हो, तो वो क्या कहलाता है, कौन सा बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, सोल ट्रेडिंग। हाँ कोई बात नहीं, वो भी वो उसका नाम है। दो मिनिमम पार्टनरशिप को बनने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? हाँ दो, यानी हाँ तो टू या दो से ज्यादा मेंबर्स मिलके पार्टनरशिप करते। सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप को रन नहीं कर सकता। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट समझ गए। सेकंड होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मतलब रिटर्न प्रूफ कि तुम ये करोगे, मैं ये करूंगा, रिटर्न सब कुछ। पार्टनर्स, हाँ समझौता, वेरी गुड। पार्टनरशिप की हिंदी होते हैं साझेदारी, समझौता करना, साझेदारी करना। एग्रीमेंट मतलब होता है पार्टनरशिप, एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में कि हम लोग साथ मिलके काम करेंगे। स्टार्टिंग में वो लड़ाई नहीं करते, हम लोग साथ मिलके काम करेंगे, साथ मिलके। हाँ, आज हुई ना मेरी सलोनी वाली बात, आज हुई ना सलोनी वाली बात, ऐसी आपको आगे आनी चाहिए चीजें। वेरी गुड। आज आपका लैब में रीड किया था? हाँ लग रहा है। आज पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है दो मेंबर्स के बीच में जो साथ में आके कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी साथ मिलके हम काम करेंगे, बीच में हम लड़ाई नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी शेयर करने को कहते हैं वो उतना शेयर करते हैं, कोई भी इसमें लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट होता है, थर्ड पॉइंट होता है रिस्क बियरिंग। यानी रिस्क बियरिंग यानी रिस्क कौन झेलेगा, अगर लॉस हो गया तो कौन झेलता है? कोई एक ही पार्टनर झेलेगा या दो झेलेगा, जितने होते सारे झेलेंगे? हाँ जितने पार्टनर्स, वेरी गुड। और बिजनेस में रिस्क ना सब लोग लेते हैं। अगर पांच पार्टनर्स होते तो अगर 10,000 का लॉस है तो 2,000 सब लोग देंगे। पार्टनर जितने भी एक कंपनी के होते हैं वो सब लॉस को इकट्ठा देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तू ही देगा, मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा तू नहीं देगा। जितने पार्टनर्स पार्टनरशिप में आते हैं सब लोग रिस्क तो उठाएंगे ही उठाएंगे। क्लियर? क्लियर। फोर्थ होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है आपसी तालमेल, तालमेल, अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री। तो पार्टनर्स के बीच में आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। अगर उनके बीच में आपसी तालमेल नहीं होता तो वो कभी भी एक बिजनेस को ढंग से रन नहीं कर पाते, लड़ते झगड़ते रहते हैं, और उनका लड़ने झगड़ने की वजह से अल्टीमेटली लॉस हो जाता है। क्लियर? लास्ट होता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिसीजंस। रिस्ट्रिक्शन मतलब अगर एक पर्सन अपने आप, आज आपका ये क्वेश्चन, हाँ रुकावटें, आज आपका एक क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में कि लास्ट वाला 15th क्वेश्चन, कि कमल ने, पता नहीं कुणाल ने, अपने आप अकेला डिसीजन ले लिया तो उसे अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी एक पार्टनर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता, रुकावटें होती है। अगर हर पर्सन को डिसीजन लेना होता है तो वो सब सारे पार्टनर्स की उसे रजामंदी जरूरी होती है। अगर और पार्टनर्स मना कर रहे हो और तुम्हारी कोई काम करने का मन है तो तुम कर नहीं सकते, सब पार्टनर्स को हाँ कहना पड़ेगा तुम्हें काम करवाने के लिए। क्लियर? क्लियर। एक पर्सन कभी भी अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, तुम्हें सबकी हाँ चाहिए ही चाहिए, तब तुम एक डिसीजन को बदल सकते हो। क्लियर? क्लियर।